फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आई एम बैक विद अनदर प्रोडक्ट रिव्यू एंड द प्रोडक्ट यूसेज, हाउ यू कैन यूज इट। सो आई बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट, सो यू कैन गेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड एनी अदर साइट्स। द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अफोर्डेबल हेयर कलर। दिस हेयर कलर इज फ्रॉम दिस ABS Pro। So yes, I have used this for the first time and I haven't used any of the hair spray, just to check out कितने time तक ये curls रहते हैं। So I have very straight hair. I will post the picture anywhere in the screen before and after, so that you can get the difference between before and the after look. So yes, if you want to know how to get this beautiful curls, then please keep on watching. So before diving into the video, if you haven't subscribed to my channel, then please subscribe to my channel. Click on the like button if you like this video and click on the bell icon to get notified whenever I post new videos. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. So yes, I bought this hair color from the Flipkart and this is how it looks. It comes like in a rod and you get an electrical extendable wire and this is the 360 degree rotable. So aap kahin pe bhi move kar sakte ho aur wire bhi uska acha khasa lamba aata hai. So here you get only the two options of this. This is the power off. So the agar aap upar chalu karoge to you will get 210 degree and agar aap niche chalu karoge to you will get 180 degree. So jo aage ke jo apne chote chote baal hote hai ya bangs hoti hai, so I curl them with the help of 180 degree aur jo upar ke hote hai wo I help using do with 210 degree. सो हियर कम्स द रोड, और रोड में जो है आपका एक बटन आता है, सो जैसे ही आप उसको ऑन या ऑफ करोगे तो ये जो आपकी LED लाइट रहती है वो ब्लिंक होगी। सो इफ़ यू आर डूइंग लाइक 210 पे रखे या 180 पे रखे तो ये आपकी ब्लिंक होगी, और अगर ऑफ रखेंगे तो आपकी ये लाइट बंद हो जाएगी। एंड द प्लस पॉइंट विच आई गॉट, एंड मैंने वो उसको देखा कि यहाँ पे आपका स्टैंड टाइप आता है, सो इफ़ यू कीप ऑन योर टेबल और समथिंग लाइक दैट तो आपका जो टेबल है वो आपको बर्न नहीं होगा। द वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब आपका आप हेयर कर्लिंग करोगे या फिर ये रॉड गर्म होता है तो इतना जो सेक्शन है वो गर्म होता है, सो व्हाइल यू आर कर्लिंग योर हेयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हैंड। मैंने तो अपना हाथ जला दिया है। एंड यू कैन यूज़ योर ग्लव्स, एंड इफ यू आर ओके विदाउट ग्लव्स देन इट्स योर विश। सो येस, दिस इज द कर्ल्स विच आई हैव अचीव्ड एंड आई गॉट दिस फॉर ₹767। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई हैव डन। जो मेरे नीचे के सेक्शंस के बाल होते हैं उसको मैंने लूज कर्ल किया, जैसे आप बीच कर्ल भी बोल सकते हो सिमिलर वे, और जो ऊपर के जो मेरे लेयर है उसको मैंने टाइट कर्ल्स दिया हुआ है, लाइक छोटे छोटे सेक्शन करके यूज़ किया हुआ है। सो दिस रॉड कैन बी यूज इन अ मल्टीपल वेज। मुझे वही देखना था कि मैं अगर उसे मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकती हूँ या नहीं। सो दिस इज़ वेरी 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 नाइस प्रोडक्ट। ओनली द इशू इज़ दिस हीटिंग। सो वो आपको आई थिंक वो हर एक हीट कलर में होता है, सो दैट इज़ नॉट एन बिग इश्यू। सो फ्रॉम माई साइड दिस इज़ अ थम्स अप। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ये कर्ल्स कैसे अचीव किए हैं। तो सबसे पहले लेट मी शो यू व्हाट इज़ द ओरिजिनल टेक्सचर ऑफ माय हेयर। सो माय हेयर्स आर सेमी स्ट्रेट, मोस्टली लाइक सिल्की स्ट्रेट बोल सकते हैं, एंड दिस इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ वॉश, तो थोड़े से बाउंसी लग रहे होंगे आप लोगों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर वेरी थरली, एंड देन यू हैव टू सेक्शन योर हेयर्स, और डिवाइड कर सकते हो आप हेयर कितने भी सेक्शन में। सो आई हैव डिवाइडेड माय हेयर्स नाउ इन टू सेक्शन, और उसके बाद मैं उसी जो हाफ सेक्शन है उसको भी सेक्शन में डिवाइड करूँगी। सो यर व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि जो नीचे के पोर्शन के बाल होते हैं उनको मैंने बीच कर्ल्स दिए हुए हैं, लाइक लूज कर्ल्स बोलते हैं, वो मैंने प्रोवाइड किया है, और ऊपर के जो है उसको मैंने टाइट कर्ल्स प्रोवाइड किया है। सो जो लूज कर्ल्स जो है वो आप कैसे बना सकते हो कि आपको जो सेक्शन आप बनाते हो बालों का उसको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, छोटे छोटे सेक्शन नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो वेव्स है वो बीच वेव्स के जो लूज कर्ल्स बोलते हो वैसे आपको प्रोवाइड होंगे। सो अगेन आई डिवाइडेड द हाफ सेक्शन इन टू हाफ। सो ये जो है मेरे नीचे के पोर्शन के बाल है, सो ये आई एम टेकिंग अ स्ट्रैंड, और आपको रोड को है उसको रोड के आजू बाजू जो है आपके बाल को उसके ऊपर से कवर करना है, जस्ट लाइक हाउ आई एम शोइंग यू। एंड जो आपका रोड है वो आपको डायगनल रखना है, एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है और एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है। एंड देन यू जस्ट हैव टू लीव द रोड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक होती है, तो जब आपका ये कर्ल हो जाएगा तो वो ब्लिंक होना थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल द कर्ल्स आर लुकिंग।
और यहाँ पे मैं कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ नहीं कर रही हूँ, सो दैट आई कैन शो यू कि कैसे ये मेरे बालों पे जो कॉल्स है वो टिकते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ करोगे तो ये आराम से, जब तक आप नेक्स्ट वॉश नहीं दोगे तब तक वो चलेगा। सो येस, आई एम डूइंग सिमिलरली विथ ऑल माई सेक्शंस। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं कितनी देर तक ये इसे पकड़ के रखती हूँ, तो इट इज़ लाइक अप्रॉक्स 10 to 15 seconds के लिए अगर लूज़ कर्ल्स चाहिए, और अगर आपको टाइट कर्ल्स चाहिए तो 15 to 20 seconds सफिशेंट है आपके बालों को कर्ल करने के लिए। सो एंड वन मोर पॉइंट कि मैंने ये शुरू करने से पहले मैंने हेयर सीरम लगा चुकी हूँ, या आप हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू विश टू डू। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग किसने कुछ मेकअप नहीं अप्लाई किया है, ऐसे ही वीडियो लगा दिया है, सो माई पर्पज वॉज टू शो यू हाउ दिस हेयर कलर लुक्स। अगर आप रेडी होते हो, अच्छे से मेकअप करते हो, तो डेफिनेटली आपके बालों में कर्ल्स अच्छे ही लगने वाले, देर इज़ नो डाउट इन दैट। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द रॉ पार्ट, इसीलिए मैंने कोई भी रिंग लाइट यूज़ नहीं की है, फिल्टर यूज़ नहीं किया है। आई एम जस्ट शोइंग यू वॉट इट लुक्स प्रेजेंटली विद द हेल्प ऑफ कैमरा। और यहाँ पे मेरी रिंग लाइट ख़राब भी हो चुकी थी, दैट वॉज ऑल्सो द पॉइंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी लुकिंग बेटर, जो भी है वो इसी तरह से आपको दिखना चाहिए। सो दिस इज़ बिकॉज आई एम डूइंग अ रिव्यू वीडियो फॉर यू गाइज, एंड मेरे जो रिव्यूज़ होते हैं वो 100% जो वॉट आई फील मैं वही शो करती हूँ, आई डोंट एक्सेजरेट एनी थिंग और एनी पॉइंट। सो दिस इज़ माई मेन मोटो। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लैम अप क्यों नहीं हुई है अदर यूट्यूबर्स के जैसे, सो दिस इज़ हाउ आई एम शोइंग यू माई रिव्यू रिगार्डिंग दिस कलर। सो हमारा नीचे के सेक्शंस के जो बाल है वो कर्ल हो चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू कर्ल आवर अपर सेक्शन। सो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही छोटा स्ट्रैंड लिया है कंपेयर टू द लोअर सेक्शन हेयर, और उसको मैं 15 टू 20 सेकेंड्स तक रखूँगी, सो दैट आई गेट अ टाइट कर्ल्स। आप इससे भी टाइट कर्ल्स अचीव कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट विथ दिस रोड। सो येस, दिस इज़ अ मल्टीपर्पज रोड फ्रॉम माई साइड, and you should definitely give it a try, and it's retails within 800 rupees, so तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन सी कितने अच्छे से टाइट कर्ल्स आपको अचीव हुए हैं। सो मैं इसी तरह मेरे सारे बालों में कर्ल्स अचीव कर लूँगी। सो कैन यू सी द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्ल्स विच आई हैव अचीव्ड। जो पहली स्ट्रैंड है वो एकदम टाइट वाली है, जो बीच वाली है वो मॉडरेट है, और जो लास्ट वाले है वो एकदम लूज कर्ल्स है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस हेयर कलर। सो अगर आपको स्प्रे नहीं लगाती हो तो ये हेयर कलर जो है आपका, अगर आपके एकदम सिल्की स्मूथ हेयर है तो आपको 4 to 5 घंटे तक ऐसे के ऐसे कर्ल्स रहते हैं। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द हेयर स्प्रे तो ये आपके जब तक आप नेक्स्ट वॉश नहीं करते हो तो यूज़ होते हैं, बट समर सीजन में स्वेटिंग होते हैं, सो ये मैक्स टू मैक्स 2 to 3 दिन तक ऐसे ही की जो कर्ल्स है वो बने रहेंगे। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू। तो मैंने ये कर्ल्स जो है वो 2-3 दिन तक रखे थे, तो 3 या 4 दिन के बाद, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है इसलिए जो मेरे कर्ल्स है वो इतने ज़्यादा टिके नहीं थे, बट आई हैव यूज सेकेंड टाइम विद द हेयर स्प्रे, तो उससे मेरे कर्ल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से रहे थे। सो येस, यू कैन डेफिनेटली बाई, देर इज़ नो कॉन्स ऑफ नॉट बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो फ्रॉम माई साइड अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ थम्स अप। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो कि कर्ल्स अच्छे से हो चुके हैं। सो अगर आप पोनी भी लेते हो, या हाफ पोनी भी लेते हो, या जस्ट यू टाई विथ योर पिंस, तो भी बहुत ही अच्छा फ्लॉन्ट हो रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू एंड हाउ टू यूज दिस हेयर कलर फ्रॉम ABS Pro। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इफ यू फील
this is a useful video. Thank you so much for watching my video. Stay tuned for my next video. Until then, stay happy, stay blessed, and also please follow me on Instagram. I'm posting so many reels and day-to-day updates over there. Link description box mein di gayi hogi. Thank you. Bye-bye.